भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे। देखिए, जब कीर्तनीय सदाहरि की बात होती है तो केवल हरे कृष्ण मंत्र ही नहीं, अपितु श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के कीर्तन की ही भी बात हो रही है। कितनी सुंदर बात है कि भगवान के अंश तुम हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, स्पेसिफिक आज्ञा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश मीन्स भगवद्गीता, स्पेशली भगवद्गीता। भगवद्गीता का ज्ञान को धारण किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। आप महसूस कर रहे हैं, आज मैं इस पर बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था, आप बारंबार ये देख रहे हैं कि आत्मा के शरीर से निरपेक्षता को दिखाया जा रहा है, कि आत्मा को शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। और आप ये महसूस करते हैं कि हम लोग क्योंकि मानते हैं कि हम शरीर हैं, इसलिए शरीर की कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम लोगों की क्या कहते हैं उसको, जी हजूरी करते हैं। ये समझते हैं शब्द आप? और उसमें भी यह सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे शरीर के पोषण के लिए कुछ दे रहा है, जबकि वो एक एक वस्तु ले के दे रहा है। यहाँ पे भी आप लोग प्रसाद लेने आते हैं, जो भी कभी आते थे या जो भी कह लीजिए, तो जो इतनी बांट रहा है वो बना के नहीं दे रहा है। एक मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, कल जो बात आ रही थी कि ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा पर्यंत देवताओं तक भी भक्त उपेक्षा करता है उस बात की, कि वाकई पालन करने वाले कृष्ण हैं। और इस जीवन में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जैसे हम अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहे हैं, कि पालन भगवान करवा रहे हैं लोगों के माध्यम से, और वो पालन किसका हो रहा है, हमारे शरीर का पालन हो रहा है, आत्मा तो परिवर्तित नहीं हो रही है। ये सब लोग देख पा रहे हैं कि पालन भगवान करवा रहे हैं, और ये भी सोचना चाहिए कि कितनी विकट परिस्थितियों में पालन करवा रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो मरने वाली कभी है नहीं, माँ के गर्भ में भी पालन करवा लेते हैं। तो व्यक्ति अपना कर्तव्य करे जो भी उसे करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान है अगर हम पूरी तरह से इस जीवन में उलझ जाएं। आप देख रहे हैं कि अर्जुन इसी प्रकार से परेशान थे, केवल इस जीवन के सो कॉल्ड कर्तव्य में उलझने के चक्कर में व्यक्ति दुखी ही होता है। आप देख रहे हैं एक तरह के दलदल इसमें व्यक्ति फंसता जाता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? समस्या कभी सॉल्व होती नहीं, करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो जिस दिन से आपने सुना कि आप आत्मा हैं, आप देखिए कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आप देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स, इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स रियली सॉल्व हो गई हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ एक अलग बात है, लेकिन आपको दिखना भी चाहिए, हम सबको दिखना चाहिए। तो दिखेगा जितना उतना ही इस प्रोसेस को श्रद्धापूर्वक करते रहेंगे। इमेजिन प्रॉब्लम्स हैं, आप ये मानते इमेजिन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आत्मा का शरीर के परिवर्तनों से कोई संबंध नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है। और अब जितनी बार सुनते हैं कि आत्मा शाश्वत है और मैं वो आत्मा हूँ, तो व्यक्ति का शोक नष्ट होता है। सो लेट्स चैंट अगेन, प्लीज चैंट आफ्टर मी। न जायते म्रियते वा कदाचि, न जायते म्रियते वा कदाचि, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, उसका जन्म नहीं होता है, म्रियते वा, और वह मरती भी नहीं है, कदाचित मतलब किसी भी समय, अयम मतलब ये आत्मा, भूत्वा होकर, भूतकाल में होकर, भविता वा न भूया, भविष्य में फिर हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, अजा या जन्मा है, नित्य मतलब नित्य एक रूप है, शाश्वत मतलब शाश्वत है, अयम मतलब आत्मा, पुराण मतलब पुराना होते हुए भी फ्रेश दिख रहा है। आज आप लोग को स्मरण आ रहा था कि सुबह उठे तमोगुण वाला मुंह लेकर के फिर तब नहा वहा लिए, तब कुछ रूपांतरण हुआ, तब लग रहा है कुछ फ्रेशनेस, ये धारण दिया गया था। लेकिन आत्मा के संग ऐसा नहीं है, आत्मा एवर फ्रेश रहती है, अपूर्व, सर्वदा अपूर्व जैसी रहती है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पे आत्मा का नाश नहीं होता है। मैं इस पर बार बार ये कहूँगा और कहता ही रहूँगा कि ये समझते हुए कि हम आत्मा नहीं हैं, लेकिन इस शरीर रूपी दलदल में है,
व्यक्ति को और कुछ नहीं सोचना चाहिए, दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और इस कारण से जो कर्म या जो धर्म या जो कर्तव्य से हमें आत्म साक्षात्कार होता है उनको सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं तो इसको स्पष्ट देख रहा हूँ। मैं आज एक भक्त से बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, प्रेम कृष्ण प्रभु थे और हरि प्राण प्रभु थे। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप दोनों लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे ही क्यों बात ना करूँ। इज इट नॉट वेरी सिंपल? Why I can't just keep quiet and not interact with those who don't love me? Have you ever thought like this? व्यवहार की बात करें तो आप देख रहे हैं कि हम लोग इसी बात में दुखी होते रहते हैं। पहले बात आत्मा को तो स्वरूप परिवर्तित हो नहीं रहा है और व्यवहार में भी हम उन लोगों से प्रेम चाहते हैं जो हमसे प्रेम कर नहीं रहे हैं। Is it not stupidity? I mean, please forgive my वर्डिंग्स, बट इज इट, क्या ये मूर्खता नहीं है? और हम भी उन लोगों की जी हुजूरी करें जिनसे हमको प्रेम नहीं, हमें खाली कुछ वस्तुएं चाहिए। दिस इज शेमलेस, आई वुड यूज द वर्ड शेमलेस। मुझे बहुत स्ट्राइक कर रहा था, इट्स लाइक एवरी डे कृष्णा इज गिविंग वेरी स्ट्रांग गिफ्ट टू मी, इज शेमलेसनेस। क्या दे रहे हैं बताओ? अभी भी मैं भगवान सारी व्यवस्था मेरी पूर्ण करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम रोटी के लिए किसी पर निर्भर है, रोटी के लिए भी नहीं, किसी पे भी नहीं। भगवान व्यवस्था कर देते हैं, कुछ ना कुछ किसी भक्त को प्रेरित कर देते हैं, कुछ डोनेशन देता है, कुछ दे देता है, चल तो जा रही गाड़ी। और फिर भी हम जी हुजूरी करें। आज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही थी बात कि मैं भगवान के यश का विचार करूं, जो व्यक्ति पालक है मेरा उसको संतुष्ट करूं। किस दिन भूखा रखा है ठाकुर जी ने आज तक बताइए? आज तक तो कभी रखा नहीं, बल्कि जितना ग्रहण नहीं कर पा रहे उससे अधिक आ रहा है। मैं अपने जीवन में तो देख रहा हूँ, आप लोग भी महसूस ही कर रहे हो कि कोई कमी तो आने रही, तो हम जी हुजूरी क्यों करें? इट्स लाइक वेरी स्ट्रांग ब्राह्मणिकल फीलिंग आ रही थी कि हम क्यों जी हुजूरी करें, क्यों किसी के सामने इस प्रकार से हम भजन ते धन धन धर्म धान धन वाली बात है। वेरी स्ट्रांग थिंग, इट्स लाइक कृष्ण वस है कि कब नहीं पालन किया तुम्हारा, बताओ कब नहीं पालन किया जो तुम इस प्रकार से जी हुजूरी कर रहे हैं। जी हुजूरी समझ लेंगे, क्यों लगाएं किसी को मक्खन बताओ? मक्खन कृष्ण को पसंद है। मक्खन चोर, सो यू कैन फीड कृष्ण, इज इट? बहुत स्ट्रांगली मेरे में आ रहा था कि, और मैं देख भी रहा हूँ कि जिन भगवान ने तोते को हरा बनाया, याद आ रहा है, और मोर में बहुत सारे रंग भरे हैं, इतने कलात्मक भगवान, तो वह भी तो वह भगवान तुम्हारी वृत्ति का निर्धारण कर लेंगे, किसी न किसी तरह से तुमको पालन करवा देंगे। और मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग ये रियलाइजेशन था कि देखो भगवान कैसे सबको प्रेरित करते हैं। जैसे मैं सोचूं कि आप सॉफ्टवेयर जॉब क्यों नहीं कर रहे अमोक द्रिप प्रभु, नहीं, इनको भगवान ने प्रेरित किया कंपनी सेक्रेटरी में ही काम करने के लिए। आप कुछ आई डोंट नो व्हाट जॉब यू आर डूइंग, सॉफ्टवेयर हाँ कर रहे हैं। अनिश प्रभु को कुछ अलग तरह से कर रहे हैं यहाँ, और किसी को कुछ करना नहीं पड़ रहा, ये भी भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य, कुछ नहीं करना पड़ा, इज इट नॉट? ये भाग्य है कि नहीं? बैठ के बस भक्ति करो। कुछ लोगों को ऑप्शन होगा तो भी सेलेक्ट नहीं कर पाते, सेलेक्ट कर पा रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को कुछ नहीं करना होता है फिर भी सेलेक्ट नहीं कर पाते, जबरदस्ती काम करते हैं, ये भी देखा गया है। ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, जैसे कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। आप खाने पीने की व्यवस्था हो गई, भजन कीजिए, पार हो जाइए भगवान के पास। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस इज सो मच इंडिपेंडेंट फीलिंग, आप समझ पा रहे हैं? इट इज सच सो रिलैक्सिंग, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की, बहुत अच्छा लगता है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए ना, खूब जम कर कर लीजिए। आज यही गौरांग प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छा बोल रहे थे कि ये जगत अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है, कभी भी छीन लेंगे। और आप जानते हैं, आपने देखा है कि जब हमारे पास अर्थ नहीं था तो व्यक्ति इतना चिंतित नहीं होता है, आ जाने पे व्यक्ति सोचता है कि चला जाएगा चला जाएगा। और इसीलिए भगवान देखिए शोक कर रहे हैं, शोक की निवृत्ति के लिए बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला इस जगत में। आप ये महसूस करते हो, जैसे धन आता है तो घबराहट होती है, कम हो गया या और क्यों नहीं बढ़ रहा? एनी ऑफ सम रिफ्लेक्शंस वर देयर आर शेयर्ड, सो नाउ विल गो फॉरवर्ड। हम लोग गीता भूषण की टीका पढ़ रहे हैं। आप लोग समझ रहे कि श्लोक जो है इस बात को दिखाने के लिए कि आत्मा में शरीर का कोई भी धर्म व्याप्त नहीं होता है। और शरीर के धर्म क्या हैं वो अब देख लीजिएगा यहाँ पे श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका में। जायते, होना, अस्थि मतलब कुछ समय के लिए होना, जन्म लेने के बाद होना, ऐसा नहीं कि आत्मा है ही नहीं लेकिन जन्म लेने के बाद है, ऐसा नहीं, वो हमेशा से है। वर्धे, वधते मतलब बढ़ना, विपरिणमते मतलब कुछ उसमें परिवर्तन आना, और इसका अर्थ ये भी है कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स करना।
और अपक्षीयते मतलब शरीर नाश होना और नश्यति मतलब नष्ट होना। तो ये छह गुण आत्मा में नहीं है। यही मोटी मोटी बात आप इसी प्रकार से गीता भूषण टीका में भी देंगे। यही नहीं पढ़ा था ना हमने? हाँ नहीं पढ़ लिया था, नहीं पढ़ना। हाँ इस श्लोक में एक मिनट, अभी मैं जो बात बोल रहा था कि किसी को अगर कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसे आप हंसी के लिए सोचिए, मान लीजिए आप अजमेरी गेट गए हैं कभी दिल्ली में, तो वहाँ बहुत सारे वर्कर्स मतलब क्या कहते हैं उसको, ठेला ढो रहे हैं, और मान लीजिए आपको बोले तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कृष्ण लादनी माता जी, क्या उत्तर होगा आपका? माइक दीजिए उनको, कुछ नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं? समझ रही है मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? नहीं देखा आपने लोगों को वर्कर्स ऐसे करके खींच रहे हैं पूरा, और बोझा खींच रहे हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? खेला तो नहीं धो रही हूँ ऐसा बोलो। हाँ जोर से बोलिए ठाकुर भाव में। ठेला तो नहीं ढोंगी, दैट्स अ पॉइंट। अगली बार कोई आपको उस प्रकार से बोले ना, कोई भी ठेला ढोने के लिए बोले, समझ गया ना ठेला ढोने के लिए? ये व्यर्थ की एजुकेशन है, ग्रेजुएशन। आज मैं बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था, एक और माता जी इनका नाम खुशी है, समझ रहे ना? वो दोनों इनके पति और वो दोनों ही 12वीं पास हैं, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली, हैप्पीली इन द सेंस मनी वाइज। और आदमी सोच रहा है कि हम बहुत ग्रेजुएशन और ये और वो सब कर लें, केवल बोझा है। आप ही मानते हो कि ये जो भौतिक एजुकेशन ये कभी आत्मा के स्वरूप की बात को टच ही नहीं कराते, बल्कि भुलावे में रखते हैं। जब इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आप नहीं सोच रहे थे कि न जायते मृते व कदाचित, या बायोलॉजी जो पढ़ रहे थे उसमें कहीं 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 आत्मोलॉजी नहीं दी है कि नहीं, कि एक सेल जो है आत्मा का भी है? देख रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सेल वो गायब कर दिया उन्होंने। हाँ सोल शब्द भी नहीं आता। मुझे भी इसमें हंसी आई थी, वो एक डिवोटी पूछ रहे थे जो अपने जर्नलिज्म में, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ये शब्द हमने सुना ही नहीं, कहीं किया खूब लेकिन सुना एक बार भी नहीं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भक्तों को बार बार मतलब हमारे भक्त लोग ही भ्रमित हो जाते हैं कि लोग बोलते तुम कुछ कर नहीं रहे हो, एज इफ गीता श्रवण करना और जाप करना कुछ करना नहीं है, यही सब कुछ करना है। लेकिन इसको कहते तुम कुछ कर नहीं रहे हो, घर में खाली बैठे हो। व्हाट एन अमेजिंग इग्नोरेंस। ने चलिए तो आज कुछ करते हैं गीता भूषण टीका। अरे भक्त बाहर अभक्त छोड़ दिए, भक्तों के लोग भी बस बोलते हैं, बस सुनते ही गीता ही सुनते रहेंगे, भागवत ही सुनते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जबकि भागवत बोल रही कि श्रुतिगत होगा तभी भगवान की प्राप्ति करेगा। तो आगे पढ़ते हैं, श्लोक में आत्मा के नित्यत्व की पुष्टि यह प्रदर्शित करते हुए हो रही है कि आत्मा शरीर के छह विकारों से सदा रहित होती है, जिनका वर्णन पहले हुआ था। अब जो बातें रिपीट हो रही हैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जन्म स्थिति वृद्धि विकार क्षय और मृत्यु। विकार आपको समझ में आ रहा है? चेंजेस। हाँ उसमें बहुत सारे, खाना हजम हो गया विकार है नहीं शरीर में, खाना आया खाना हजम हुआ, भूख लगना, बहुत सारे विकार शरीर में आते रहते हैं, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ वाक का अर्थ है, और यह भी शिव स्वामी की बात में आपने सुना था, न जायते मृत शब्दों से आत्मा के संबंध में सृष्टि और प्रलय यह दोनों ही बहिष्कृत हो गए। एकदम समझ में आ रहा है ना? जब ना समझ में आए तो आप हैंड रेस कर देना, बहुत ईजी है, ईजी लग रहा है मेरे को, कठिन नहीं है ना? सृष्टि नहीं होती, आत्मा की प्रलय नहीं होती, सबको समझ आ गया? जिस प्रकार भूतकाल में जीव कभी भी जन्म नहीं लिया था, उसी प्रकार से भविष्य काल में वह कभी भी जन्म नहीं लेगा। तो बर्थडे कब मनाएंगे आप? वर्तमान काल में, ठीक है कि नहीं? यह इंगित करता है कि जीव एक और जन्म नहीं लेगा और एक और स्थिति को धारण नहीं करेगा, जैसे कि अस्थि शब्द से सूचित हुआ है। आज है, होने के बाद फिर होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बस व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा कभी भी बढ़ेगा या अधिक हो जाएगा, जैसा कि वृद्धि शब्द से सूचित होता है। शरीर के संबंध में अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक से अधिक वह बढ़ता नहीं, अर्थात न भूय। इजी लग रहा है? आपका आप बड़े पतले हो गए हैं, कहा हो हम लोग भी बेवकूफ की तरह, हाँ पतले हो गए हैं, पतले हो गए सेवा, आप बहुत मोटे दिख रहे हैं, काफी मोटे हो गए। तो व्यवहार में चला लीजिए इसको, लेकिन कोई पूछे आप कैसे हैं, जैसे पहले था,
कब से, अनादि काल से जैसे था वैसे ही हुआ, कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। लोग समझ नहीं पाएंगे ना इस भाषा को, कितना गाढ़ा ये पकड़ है। जिस कारण से आत्मा बढ़ती नहीं है उसको अजो नित्य शब्द से समझाया गया, क्यों आत्मा की वृद्धि नहीं होती, इसको भी हम पढ़ चुके हैं श्रीधर स्वामी की टीका में। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली श्रीधर स्वामी की टीका को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको याद रहा तो। जो वस्तुएं जन्म और मृत्यु के अधीन हैं, जैसे कि पेड़, वह जन्म के बाद बढ़ते भी हैं और फिर मरते हैं, क्योंकि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु, अर्थात वह अजो नित्य है, इस कारण से यह वृद्धि भी नहीं करता, अर्थात न भूय। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कोई चीज़ जन्म ली, जन्म ले रही है तो कुछ वृद्धि हो रही है, वृद्धि होती है कि नहीं बताइए। पेड़ भी एक सीड से शुरू होता है, हमारा शरीर भी एक सीड से शुरू होता है, और वो सीड बढ़ते 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 शरीर के रूप में आता है, फिर वो और बढ़ेगा तो उसके बाद ही मरेगा ना। गॉट इट? मरने के लिए क्षय होना जरूरी है और छह होने के लिए बढ़ना जरूरी है। डू यू अग्री? रखे ठीक है। शाश्वत का अर्थ है कि जीव का कभी क्षय नहीं होता है, यह आत्मा सभी कालों में बिना क्षय के रहता है, और यह अपक्षीयते शब्द के विपरीत है जो क्षय का द्योतक है। इधर ओके? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, क्योंकि श्रीधर स्वामी की टीका में हम स्पष्ट समझ चुके हैं, बस हम पढ़ते जा रहा हूँ। पुराण शब्द यह इंगित करता है कि आत्मा बिना किसी परिवर्तन के है, अर्थात विपरिणमति का गुण उसमें नहीं है। आत्मा को कभी एसिडिटी नहीं होती, जस्ट इन केस एक विकार है कि नहीं, आत्मा को कोई डकार नहीं आ रही है, सब शरीर का परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखा जाए, लेकिन जितना रखना चाहिए उतना। गॉट इट? यद्यपि आत्मा बहुत पुराना है अर्थात पूरा, फिर भी नव अर्थात नया है। ये समझ में आया था? ठीक है, रूपांतरण के द्वारा नया नहीं है, वो है और वो हमेशा नवीन रूप में अवस्थित रहता है, इसे कोई भी नया रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आत्मा शरीर के छह प्रकार के विकारों से रहित है, और यह आत्मा नित्य है, और वो आत्मा हम हैं। क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव होता है, इसलिए जब शरीर को मारा जाता है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अर्जुन, तुमने ऐसे शब्द कहे कि मैं अपने गुरु का हत्यारा बनूंगा, यह सब अज्ञान के कारण ही कहा गया ताकि तुम्हारा इससे अपयश न हो, परंतु उपरोक्त कारणों की वजह से तुम्हें निर्भय होकर के इस धर्म युद्ध में युद्ध करना चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। ये लास्ट लाइन आप किसी को समझा सकता है? यह सब अज्ञान के कारण ही कहा गया ताकि तुम्हारा इससे अपयश ना हो। तुमको भय था ना कि मैं अपने गुरु का हत्यारा बनूंगा, तो हत्यारा बनूंगा मतलब लोग तो मुझे हत्यारा कहेंगे। नाउ दिस इज अ क्विज टाइम, कृष्ण लाती माता जी। यस जी, इधर भगवान बोल रहे हैं कि हत्यारा कहेंगे, अगर ये डर है तो ये जो श्लोक बोल रहे हैं ना जायते मृते, कि ना तो कोई जन्म, ना आत्मा जन्मती है ना मरती है ना ठीक है होती है। हाँ, एक तो बात ये कि आत्मा का मारा नहीं जा सकता, और दूसरा याद आ रहा है जो ये बोल रहे हैं कि आत्मा मारने वाली है और आत्मा मरने वाली है, वह भी तो अज्ञान में है, तो अज्ञानियों के बीच में अपयश होने से क्या फर्क पड़ता है, एक बात। दूसरा, बारंबार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ना एवरी डे, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो ये एक बड़ी ही विकट स्थिति है, मैं इसे पड़ा हुआ हूँ। डू यू अग्री विद दैट? मैं ऐसी प्रभात बोलते हैं, आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। कैच किया? हम लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे आसपास सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, एवरीथिंग, याद आ रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। एक भी वस्तु का स्वरूप हमारे स्वरूप से मैच नहीं करता, ये अद्भुत बात है कि नहीं। ऐसे मानिए कि चिंगारी को पानी के अंदर डाल दिया, चिंगारी बुझ नहीं रही है, लेकिन चिंगारी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। आई थिंक दिस विल मेक सेंस टू द डिवोटीज। तो अब एक ही तरीका है, और उस तरीका है ये कि व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो, और अहंकार से मुक्त होगा जब वह धर्म का संपादन करेगा, बेसिकली भक्ति करेगा, और किस तरह से करेगा, निष्काम भावना से। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ भगवान आत्मा और शरीर में भेद क्यों दिखा रहे हैं आपको पता है, याद हुआ अब तक? ताकि अपने धर्मों को कर्तापन की भावना से त्यागते हुए और फलाभिसंधि कि मुझे उससे कुछ भौतिक चाहिए वह त्यागते हुए व्यक्ति कर्तव्य का पालन करे, इससे आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। और मैंने आपको समझाया था कि वर्णाश्रम का कोई भी कर्म
असीमित लाभ देने वाला नहीं है। और वह भी अगर इस प्रकार से कर्ता बन की भावना से, दैट मीन्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, और हाँ एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है, तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, आत्मज्ञान प्रकाशित करता है और भक्ति, मैं बता चुका हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भक्ति का एक एक अंग असीमित लाभ देने वाला है। भगवान को प्रणाम कीजिए या भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, अजामिल को तो पता भी नहीं था कि वह नारायण बोल रहा है, आपको पता है बात, या ऐसे कह लीजिए उसको पता था नारायण बोल रहा है लेकिन यह नहीं पता था कि भगवान का नाम है, पता था बट ही वॉज नॉट कॉन्शियस। ब्राह्मण है तो पता ही था कि नारायण का नाम भगवान का होता है लेकिन ही वॉज नॉट कॉन्शियस, और तब उसको असीमित लाभ प्राप्त हो रहा। तो बताइए, इसीलिए वहाँ भागवत में बोला गया श्रद्धा से ले कि भाई ये हमारा उद्धार करने वाला है, ये आदर करने आदर पूर्वक ले, तो उसमें क्या संदेह है। आप कैमित तो समझ गए ना यहाँ पे, जब वर्णाश्रम का वर्णाश्रम तो भक्ति के अगर कुछ टिकता नहीं, तो वह जब शुद्ध करने वाला है तो फिर भक्ति कितना शुद्ध कर देगी अगर हम प्रॉपर एटीट्यूड के संग करें तो। वेरी नाइस। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लैक्सिटी समझते हैं, लैक्सिटी इंग्लिश में समझते हैं, ढीलेपन की गुंजाइश नहीं है। कई बार भक्त लोग, हमारे स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं हमारा एग्ज़ाम है तो हम क्या जब करें या ना करें, और मान लो आज ही मृत्यु हुई तब आपने अब तक क्यों नहीं पढ़ाई करी। स्टूडेंट्स को, डिवोटी स्टूडेंट को कर्तव्य बुद्धि से नियमित पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में भी आप जब कर सको। अब सारी पढ़ाई अब एग्ज़ाम के समय करेंगे तो फिर आपका जब छूट जाएगा और उसी दिन मृत्यु हो गई, तो ये हुई है, ऐसा लोगों के साथ होता है। यहीं पे मैंने सुना जीएलए में दो लड़के बाहर गए, मतलब क्या कहते हैं उसके गेट के बाहर गए, गाड़ी ने मार दिया, ख़त्म हो गए। क्या ऐसा नहीं होता है? फिर से मैं रिपीट करूँगा, धर्म ऐसे करो जैसे आज आखिरी दिन है, और शास्त्र कैसे पढ़ो, शास्त्र जीवन है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है, धर्म ऐसे करो, हर दिन अपने को बेचैन होना चाहिए, बेचैन मतलब एंजाइटी में होना चाहिए कि यद्यपि हम मरने वाले नहीं लेकिन हो सकता हम जप ना, हो सकता हो कि हम जप करने वाले ना हो आज, ये हो सकता है कि हम जप पूरा ना कर पाए। वी शुड बी इन दैट एंजाइटी। मेरा काम ही है, मेरी प्रीचिंग की टैक्टिक ही है एंजाइटी क्रिएशन, स्पिरिचुअल एंजाइटी क्रिएशन। आप लोग को अब होने लगी ना एंजाइटी, सुबह माला कैसे होगा, माला कैसे, पहले देखा है शुरुआत में हम लोग काफ़ी रिलैक्स रहते थे, कीर्तन यहाँ हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन जब इस प्रकार की एंजाइटी का आप ले लेंगे आप देखेंगे पूरा दिन आपका एंजाइटी लेस हो जाता है। मतलब धर्म संपादित करने के लिए व्यक्ति को एंशियस रहना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा दिन प्रतिदिन हमारा अहंकार धीरे 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 करके डाउन हो रहा है। आज भी मैं भक्तों को पूछ रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग पोल लिया कि कितने लोग ये महसूस करने लगे कि हमारा इस जगत से वास्ता नहीं है, एंड मैनी डिवोटीज रेज देयर हैंड्स, है कि नहीं। अब महसूस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हरि नाम कार्य नहीं कर रहा है। और फिर मैं कुछ भक्त को मैसेज भी किया है व्यक्तिगत रूप से कि भाई आप बहुत यंग हैं, आप कोई नियम भंग नहीं कर रहे हो। बच्चे लोग क्या नियम भंग करेंगे, और हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि इफ़ द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर फॉलोड द होली नेम एक्ट्स इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही आप मुक्ति के स्टेज पे हैं। बस समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, इसलिए महत्व नहीं देता व्यक्ति, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इमीडिएटली। अजामिल को भी समझ में नहीं आ रहा था, यमराज को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचिए अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें कितना समझ में आएगा। ये आप लोग को लगता है लेकिन देखिए, आप लोग अनुभव करते हो कि आप लोग प्राय रोज सुनते हो तो सोचने का और दृष्टि, जगत की दृष्टि देखने की दृष्टि वो परिवर्तित हो रही है। आज ही आप सुनने वाले हैं इस बात को, विज्ञान दृष्टि, शास्त्र के द्वारा, जन दृष्टि के द्वारा व्यक्ति अपनी मिथ्या, अपनी भोग की इच्छाओं को त्यागेगा कि नहीं मैं, यहाँ सुन रहे हैं ना बार बार कि हम आत्मा हैं, भोग की इच्छा स्फुरित भी हो रही है तो उधर उसको नेग्लेक्ट करेगा और आत्म साक्षात्कार में फिक्स रहेगा। इट मीन्स ही विल नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज फॉर विच बाई विच ही विल गेट सेल्फ रियलाइजेशन। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं, व्यक्ति फिक्स रहेगा कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि मैं सुबह अब जप करूं। जप के समय मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, ना किसी के पिता हूं, ना किसी का पत्नी हूं, ना कुछ हूं, और लेकिन इस करते नहीं कि आप 8 बजे तक किसी कुछ नहीं रहेंगे उसके बाद आपको करते हुए करने पड़ेंगे, तो आप सुबह उठ के जप कीजिए। इज इट ओके? ये भय होना चाहिए कि अगर मेरा आज सुबह माला नहीं हुआ तो कैसे होगा। कृपया इतना भय रखिए अपने जीवन में,
यू हैव नो कंट्रोल व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन दिस वर्ल्ड विद यू विद द बॉडी. नथिंग विल हैपन टू यू बट क्योंकि ना जायते ना मरियते. लेकिन शरीर के संग क्या होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते. प्लीज इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए. तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है. वह शरीर की भांति विकारी नहीं है. भगवान भी इसी प्रकार से शरीर में विद्यमान है और उनमें कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर से और आत्मा को भी नहीं. कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है. शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं. वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है. रिफ्लेक्शन, डोंट यू फील इट्स अ रूटीन? कैन यू फील इट्स अ रूटीन? वाओ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट माय डियर डिवोटीज, कैन यू फील इट? रूटीन समझते हैं, जन्म लिया, बड़े, स्कूल गए, व्हाटएवर. पिछले जन्मों में किस प्रकार का स्कूल रहा होगा पता नहीं, इज इट नॉट? लाइक लेट अस गो बैक टू 1900s. सेंट थॉमस तो नहीं था उस टाइम, हमें पढ़ाई किया था. कैन यू कैच दिस पॉइंट? जस्ट अ रूटीन. आर वी नॉट गेटिंग बोर्ड? मैं बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ लेकिन आपको बोरियत नहीं हो रही है? हर जन्म में फिर वही चीज़. अब समझ में आ रहा है मैं क्यों मना करता हूँ फालतू में ग्रेजुएशन मत कीजिए. कोई दे भी, अब मुझे कहे चलिए आप चलिए थोड़ा आधा घंटा बिता दीजिए कि आपको एमटेक दिलवा देंगे, तो क्यों प्रश्न करना चाहिए ना? क्यों चेक करो पेट, हाँ पेट तो भरा हुआ है, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान सब तो है, फिर एमटेक क्यों करूँ? आपने ये देख पा रहे रूटीन? फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म मरो, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वही काम. कितना सुंदर है ना कि ये सारे भौतिक कार्यों से क्या आपको पुरस्कार मिलेगा? परम वीर चक्र पॉस्टूमसली. समझ में आया? मरने के बाद आपने ये जंग लड़ी, बहुत बड़े हीरो बने, तो यही पुरस्कार मिलेगा कि अगला जन्म फिर से प्राप्त हो जाए. यही बस यहां का यही तमगा प्राप्त होगा. किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते. आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है. आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है. जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है. और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान न भविष्य. न वर्तमान मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वर्तमान में उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, वो हमेशा, लेकिन भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है. कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, कितना हम लोग परेशान रहते हैं ना. मैं भी कभी कभी कहता हूँ कि काश मैंने वो कार्य नहीं किया होता, काश मैं उस इंद्रिय तृप्ति को नहीं करता, ये वो. अब वो क्या करें, जो हुआ सो हुआ, हमारे कर्मानुसार हम भोगे, दुख भोगे, सुख भोगे, उसको भूलिए. जस्ट रियलाइज कि हमारे मन ने हमें कितना धोखा दिया है. ये मैं बस बार बार रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मेरा मन कितना पाजी है. रियली दिल तो पागल है हमें रियली, और मैं भी पागल हूँ जो उसकी बात मान रहा हूँ. जस्ट चीटिंग मी लेफ्ट एंड राइट. समझ रहे हैं? एक बात आपको देखो ना, इस जगत में कोई व्यक्ति धोखा देता है तो हम उसकी कितनी भर्त्सना करते हैं, है कि नहीं? और आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं देखो कितना तुमको धोखा दिया, है कि नहीं? लेकिन मन सभी को धोखा दे रहा है और मन की भर्त्सना कोई नहीं कर रहा है, है कि नहीं? आई मीन दिस आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ चीज़ें तो यहाँ पे लगता है इसका आसन का कुछ प्रभाव है. कभी बोला नहीं नई बात. दैट्स व्हाई आई लाइक टू गिव क्लास. कृष्णा लेट्स मी स्पीक समथिंग. कुछ है ना, आप कितने लोग देखो उसने कितना धोखा दिया, उसे धोखा दिया. और जो व्यक्ति हर क्षण धोखा दे रहा उसको हम दोस्त मान के बैठे हुए हैं, मन को. यही मन फंसाया हुआ है कि भूतकाल में तुमने ऐसे किया, भविष्य में कैसे चलेगा तुम्हारा, क्या होगा इत्यादि इत्यादि. मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सांस मेरा ठीक नहीं है, हल्का हल्का. तो हम कल अनुपम कृष्ण से बात किए, हमारे होटल वाले, तो उनकी सैलरी शायद 85 कुछ मोर देन 1 लाख. कह रहे हम भी ठीक नहीं हो रहे. हमने कहा जिसकी सैलरी मोर देन 1 लाख है वह भी ठीक नहीं हो रहा है और मैं भी ठीक नहीं हो रहा, हमारे पास को तो कोई पैसा नहीं है. तो अंतर क्या बना, अंतर क्या है ये बताइए. मैं सोच रहा था कि अंतर क्या हुआ. कर्म तो दोनों को भोगना ही पड़ रहा है ना, है ना? काफी, अब कोई उत्तर है आप लोग के पास का? वो भी बेचारे लगे पड़े हैं, ये वैद्य दिखा रहे हैं, वो वैद्य दिखा रहे हैं, लेकिन जितना समय भोगना है वो भोगना है.
तो वेर इज कैन वी रियली से दैट मनी इज माई शेल्टर, वेर इज द शेल्टर, वाई इज, वाई शी इज नॉट गिविंग शेल्टर, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या मैं शायद गलत सोच रहा हूँ या क्या सोच रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन क्या वाकई जा रही है प्रॉब्लम उससे? कहने का आशय ये नहीं कि आप धन ना कमाइए, वो तो जितना जरूरत है वो चाहिए, लेकिन उसके उसके एवज में हमारी भक्ति के जो समय है वह हम व्यर्थ करते रहे तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना। क्या ये होते हुए आप नहीं देख रहे हैं दुनिया में? बताइए, भक्तों के संग होता हुआ नहीं देख रहे हैं आप? ये बात है, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। जैम शरीर के प्रभाव में, जैम नहीं होना चाहिए, बस खाली जैम हटा दीजिए यहाँ से, शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, जैम हटा दीजिए, जैम जबरदस्ती आ गया, जैम पता नहीं किसी को लगता है, एडिटर को जैम पसंद है। शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का, ओह जैम नहीं है, जैन है, जैन शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। जैन नहीं, जैन जैन मानते हैं कि आत्मा शरीर के परिमाण का है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। और ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि मन भी बूढ़ा नहीं होता। बहुत हैवी बातें बोलने लग जाऊंगा, लेकिन इस सत्य बातें बोलूंगा। देखिए, ये सोचना कि वृद्धावस्था में काम वासना समाप्त हो जाती है, ये इल्यूजन है। अगर ऐसा होता तो पिछले जन्म में बूढ़े नहीं हुए थे? पिछले जन्म में बूढ़े नहीं हुए थे? प्रसंग अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, जब तक इंद्रिय संयम नहीं करेगा, ये प्रसंग अजरम पाशम, जरा मतलब बुढ़ापा, अजर मतलब जिसका बुढ़ापा नहीं है, तो ये पाश का बुढ़ा, ये पाश बुढ़ा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, वो वासना रह जाती है और इंद्रियां शिथिल हो जाती है। हमको एक डिवोटी बता रहे थे, माता जी हैं, पढ़ाई करने जाती हैं, तो बोले 55 साल का टीचर लड़कियों को परेशान करता है, 55। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि काम वासना चली जाती है, इसीलिए भगवान बोलेंगे आगे, प्राक शरीर में मोक्षनाथ, अनलेस वी हियर भगवदगीता, भगवदगीता भागवत पढ़ रहे हैं और जप कर रहे हैं, जाने वाली नहीं, पिछली नहीं, जानी होती तो अब तो चली गई होती ना। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम सोचेंगे कि समय बीतने से कुछ ठीक हो जाएगा। समय बहुत बीत चुका है, भजन करने से ठीक होगा, समय बीतने से कुछ भी नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर भी मरता नहीं है, अनलेस यू प्यूरिफाइड बाय भक्ति, भक्ति करके शुद्ध किए बिना नहीं कर होता है। इसीलिए वो हर व्यक्ति को आप देखना, जब आप शरीर वृद्ध हो जाएगा ना, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप परिवर्तित हुए, आपको लगेगा हम भी वही हैं। इवन दो सेम स्पिरिट्स ऑफ एंजॉयमेंट आर देर, भले शरीर नहीं रह सामर्थ्य देता है, लेकिन खाने पीने का और ये जो स्पिरिट है ना कि हम आनंद लेंगे, मजे लेंगे, वो रहता है आत्मा में। मैं ऐसे बोल ही रहा हूँ या आप समझ भी रहे हैं? आपने देखा है अपने घर परिवार में भी लोगों को वृद्धावस्था में हो गई है, लेकिन अब चाट पकौड़ी खाने की इच्छा गई नहीं है, है कि नहीं? नहीं जाती है। गॉल ब्लैडर चला जाएगा लेकिन पकौड़ा खाने की इच्छा नहीं जाएगी, है ना? और इसके विपरीत अगर आप भगवान का भजन करेंगे तो परिपक्वता आती है, ऐसी बात नहीं। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं विपरिणमते, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। सुनना चाहेंगे मैं क्या बोलना चाहूँगा इसके ऊपर? दिस इज अ पक्का इल्यूजन। कई बार मैं इसको बोल रहा हूँ, जो गृहस्थ भी हैं वो भी सोचें कि ये जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, ठीक है वो मान लो उनको डिवोटी बनाना हमारा कर्तव्य, लेकिन वो हैं कौन? थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ना तो गृहस्थ को जीना चाहिए ना ब्रह्मचारी को जीना चाहिए, इन द सेंस ऑफ डिवोटी की तरह बात करो, डिवोटी वो हैं कौन? और उत्तर क्या होगा? आप नहीं जानते। यू डू नॉट टू हियर दैट, इज इट नॉट? आप नहीं जानते कि वो कौन है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्तव्य नहीं करें, प्रसाद नहीं खिलाएं, वो नहीं है, बट ये जो अनावश्यक आसक्ति है उस पर आप विचार कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप त्यागी या मत त्यागी, खाली विचार कीजिए कि आप नहीं जानते कि वो कौन है। सेम चीज़ घुमा दीजिए अपने माता पिता के प्रति। आप जानते हैं ना आपके माता पिता कौन है? नहीं जानते। और आपके यहाँ पे किसी की भी डेथ हुई, वो कहाँ गया आप नहीं जानते।
है ना, हम लोग हम मनन नहीं करते, सोचते नहीं, इसीलिए उन कर्तव्यों को बहुत महत्व देते हैं। कृष्ण कहाँ हैं आप जानते हैं, आपके हृदय में भी हैं, गोलोक में भी हैं और अभी भी हैं। और आप सब लोग की सहज श्रद्धा है ना, इज नॉट कि प्रभुपाद जी हैं, इज इज नॉट इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, प्रभुपाद जी हैं, जीव गोस्वामी जी हैं, चक्रवर्ती पाद हैं। हम लोग अब उस इल्यूजन में नहीं जी रहे जैसे कि भौतिकतावादी लोग जी रहे हैं। वी नो वेयर दे आर, गोलोक में हैं। लेकिन बाकी अपने रिश्तेदारों को, आप जो सो कॉल्ड रिश्तेदारों के नाते हम भक्ति को सेक्रीफाइस करते हैं, उनको हम नहीं जानते हैं वो कहाँ है। पहले बात तो अभी भी नहीं जान रहे हैं कि कहाँ है, क्या है, कौन है, और जो चले जाएंगे तब भी नहीं। दिस इज़ वेरी नाइस। और इस बार के आप देख पा रहे हो कि आपके जीवन में लोग आ रहे हैं, टाइमलाइन में, आपके जीवन की टाइमलाइन में लोग आते हैं, सीन चेंज हो रहा है और आ रहे हैं। कभी सोचा है कि सेट करके लाया जा रहा है आपके जीवन में? आर यू गेटिंग दैट, मेरी बातें कुछ समझ पा रहे हैं? दिस इज़ वेरी वंडरफुल इफ यू कैन रिफ्लेक्ट लाइक दैट। आपकी जीवन की पिक्चर चल रही है, टाइमलाइन चल रही है, टाइमलाइन चल रही है, उसमें कोई सीन में आ गया उसके है कि नहीं, आप समझ गए मैं क्या भाव बोल रहा हूँ। मतलब इन्फैचुएशन वगैरह का भाव होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हमको बहुत कर देंगे, हाँ बच्चे हो गए, ये होगा, हाँ ऐसे करते, उसका फिर टाइमलाइन चेंज हो गया, फिर समय में फिर वो बच्चा कहीं चला गया या कोई और रिश्तेदार चला गया, एंड वी आर प्रिटी हेल्पलेस अबाउट इट। ये समझ पा रहे हैं कौन हमारे जीवन में आ रहा है, कौन जा रहा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। ये बात भागवत में आगे बताई जाएगी। इसीलिए हम लोग इसी सुख दुख में पड़े रहते हैं। काश हम लोग इस प्रकार से ऐसे देख सकते कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है इस जगत में, एकमात्र कंट्रोलर कृष्ण है। इसलिए प्रभात संताने प्रतीत होते हैं। और जानते हैं भगवान भी कोई कम नहीं है। सोचिए कि जिनके भी बच्चे हुए हैं या होंगे, वो भी मान लीजिए, मैं कई बार एग्जांपल दिया कि भारतीय है माता पिता हैं और लड़का एकदम अफ्रीकन हो जाए और कुछ भी शक्ल ना मिले एकदम, तब आप देखेंगे कि भाई ये तो ये क्या प्रोडक्ट है ना, ये कैसे हमारा तो बच्चा नहीं लग रहा। और आप लोग खुद भी जान रहे हैं कि आप लोगों के होठ जो होंगे या आंखें होंगी पापा पे गई होंगी, नाक मम्मी पे गई होंगी, ऐसा होता है कि नहीं? तभी तो इल्यूजन क्रिएट होगा, अरे देखो उसकी आंखें हमारे तो उनको हमारे जैसा। अरे और यह भी आप देखेंगे कभी कभी बच्चों की आवाज़ भी पिता या माता जैसी होती है। तो भगवान भी माया के द्वारा खूब इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि खूब भक्ति का ये अज्ञान बना रहे। तो प्रभुपाद कैसे है, क्या सुंदर बातें बोल रहे हैं, किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस प्रकार से एक पशु मान रहा है कि ये मेरा बच्चा है और केवल इसे खिलाने के बारे में सोचता है कि नहीं, तो इंसान भी बस केवल संतान जन्म दे करके यही सोचता रहे कि खा कैसे ले, तो बताइए पशु इंसान में क्या भेद हुआ। और जब आगे जाकर वो बच्चा बोले कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो क्या उत्तर है? पिता माता को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया। जब भक्ति का मौका आप दे रहे हैं तब वाकई कुछ कर रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं किया। शब्द परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का बोलूंगा कि एक नहीं, हम बोल नहीं पाते, हमको महाराज महाराज बोलते हैं कि एक कुतिया भी अपने बच्चे को खिला देती है, वो चावल उठा के लाएगी अपने मुंह से, उसके बाद चावल का दाना अपने बच्चे को खिला देती है। यही कर्तव्य है। ये सम पॉइंट्स विच आर स्ट्राइकिंग सो हैवीली, नहीं कि यही कर्तव्य, बस खिला दिया पिला दिया। संतानें प्रतीत होती हैं, शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। ये भी आप समझते हैं, जब तक आत्मा क्षेत्रज्ञ आत्मा है तभी तक आत्मा शरीर में परिवर्तन आ रहा है, नहीं तो वह क्षय करता है। अतः आत्मा शरीर के छह प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् न भूभुव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। स्पष्ट है इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद्गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञानमय, यानी कि जो आत्मा विपश्चित मतलब कॉन्शियस है, उसमें कोई परिवर्तन इस प्रकार का नहीं हो रहा है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं हम लोग। हमेशा हम लोग कॉन्शियस रहते हैं, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्नावस्था में। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है, यह भी स्पष्ट हो चुका है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है।
बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि यद्यपि हम आत्मा को नहीं देख सकते लेकिन उसके प्रकाश को देख करके आत्मा का अनुभव लगा सकते हैं, उसका प्रकाश है उसकी चेतना। और क्या उदाहरण दे रहे हैं देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद का। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। ठीक है, गॉट इट। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। स्पष्ट है, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। ये भगवान की चेतना है, वो सब जानने वाले हैं, हमने जानते हैं। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान को सब कुछ याद रहता है, और हम तो, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो भूल जाता है कि श्लोक नंबर कौन सा था। ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि चक्कर क्या कि ये भी बात याद नहीं रहती है कि हम लोग भूलने वाले हैं, ये समझ आना है। क्योंकि हम लोग विस्मरणशील हैं, इसलिए यह भी भूल जाते हैं कि हम लोग विस्मरणशील हैं। भूलने की आदत होगी तो यह भी भूल जाएगा ना कि मुझे भूलने की आदत है। इसके लिए ही नियमित रूप से सुनना चाहिए। यही दरवाजे से बाहर निकलते ही हम भूल जाएंगे कि हम आत्मा हैं। मैं बता रहा, देखो मैंने कल ही बोला था कि हम प्रयास करेंगे, मौन होगा, ये होगा, लेकिन बात आई गई बिजनेस में, तो फिर मैं आज से संकल्प लेके मैं एक हफ्ते अब नहीं आऊँगा, एक हफ्ते नहीं आऊँगा। नॉट दैट वॉट अदर पर्सन वॉज डूइंग, आई लॉस्ट माई टेम्पर, दैट वॉज माई मिस्टेक। मैंने कहा आप में गुस्सा नहीं, मैं अपने पे गुस्सा होंगे। आई वॉन्ट टू जस्ट एज फार एज पॉसिबल रिड्यूस दिस इंटरेक्शन, एटलीस्ट मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं ये गीता की चर्चा करता हूँ तो स्मरण रहता है कि मैं आत्मा है। जहाँ ये बात इधर से उधर कुछ होती है, आई पर्सनली शब्द में कहूँगा आई हेट दोज टॉक्स। भगवत वार्ता से जरा सा भी चित्त उधर जाता है, और जो नारद जी बोलते हैं वो 100% करेक्ट है कि भगवान के यश से जरा सा भी बात आप कुछ करते हो तो बुद्धि को ऐसे घुमा देता है जैसे नाव घूम रही हो चक्रवात में, इसका कोई आश्रय नहीं है। आप लोग ऐसा अनुभव किए? आई विल ओनली यूज द वर्ड हेट, आई जस्ट हेट दोज टॉक्स। घृणा हो रही है इसके कि तुरंत मुझे वो शरीर के स्तर पे लेके आ जाता, तुरंत। आप लोग भी अनुभव करते होंगे ना, इसीलिए कहा जाता है प्रजल्प, प्रजल्प तुरंत हमको दिमाग हमारा उसमें लगा देगा कि हम शरीर हैं। वी हैव टू फर्स्ट अज्यूम कि मैं शरीर हूं, तब प्रजल्प कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमको बहुत खराब लगता है वो बात, एकदम हमारी चेतना को नीचे लाता है। भाई देखिए, भागवत में मन लगाइए, कितना उत्थान होता है, कितना अनुभव अच्छा लगता है कि नहीं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। हम लोग कैसे हैं? जीव की चेतना विस्मरणशील है, हम लोग भूलते ही हैं। ये बदजीव के बारे में बोल रहे हैं, खूब सुनना चाहिए। और आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा, जब कॉलेज में याद करते थे, पढ़ाई करते थे, मगने वाला काम होता था ना, तब क्या करते थे, बारम्बार बोलते। फिर देखा था कि दो चार बार लाइन भूल गए, फिर उसको याद करते थे, फिर भूल जाते थे, फिर याद करते थे, तब जाकर के कुछ बातें याद रह पाती थी। इसलिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। और क्या प्रमाण था? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। समझ में आया मैंने श्लोक क्यों कोट किया? भगवान को सब याद है। और ये समझिएगा, कई बार हम प्रश्न करते हैं ना, वाई, WHY, दिस इज हैपनिंग टू मी। माई डियर कंडीशन सोल, आप विस्मरणशील हैं लेकिन कृष्ण को सब याद है कि तुमने क्या किया था, कौन से करोड़ों में जन्म में तुमने क्या किया था। दैट शुड कीप अस अ लिटिल बिट इन फियर, व्हाट डू यू थिंक? हम क्या खिचड़ी पका के आए हैं और उसका क्या रिजल्ट आएगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मरने के लिए बाथरूम में स्लिप होना ही पर्याप्त है, मानते हैं आप? इज नॉट। और तब भी व्यक्ति सोच रहा है कि यहां हम किसी व्यवस्था से सिक्योर हो जाएंगे,
कितना बड़ा इल्यूजन है ना। आज मैं ये भजन जब करते समय स्मरण आ रहा था, वो क्या हम लोग गाते हैं, जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे, हमारा टॉटरिंग ऑन लोटस लीफ, पानी की बूंद कमल के पत्ते पे गिरती, एक क्षण में कहीं कुछ चेंज हो जाएगा, एक क्षण में सब कुछ हो जाता है, सट से मैं ऐसे बोलते बोलते खत्म हो जाऊँ, ऐसा इतना वैसे इतने भाग्यशाली नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना जाप करते हुए यार, या बोध प्राप्त होता है, प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। और कितनी अद्भुत बात है कि इसके प्रति लोगों की रेजिलियंस है। मैं विस्मरणशील हूँ, आज इंग्लिश बहुत निकल रही है, लेकिन मतलब विस्मरणशील हूँ, बुद्धू हूँ और भूल रहा हूँ, और भगवान की बात सुनकर प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, लेकिन इसको सबसे कम महत्व दे रहा है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए और भगवद्गीता के उपदेश व्यर्थ होते। एक थोड़ा सोचिए, आपको गीता बोलने के लिए बोला जाए तो, या मुझे बोल दिया जाए तो, बोलिए गीता बोलिए आप जो है वो समझ ले, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने बोलने की बात आप बताइए कैसे करेंगे। कभी आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल स्लेट पूरी जीरो कर दीजिए, कृष्ण भावना के बारे में कुछ नहीं पता, अब आप आत्म साक्षात्कार के बारे में क्या बोलेंगे। अब समझ में आया, माय डियर जूम डिवोटीज, आर एबल टू कैच दिस पॉइंट। कुछ नहीं पता है आपको भगवद गीता के बारे में, तो आत्म साक्षात्कार के बारे में आप क्या बोलेंगे। उत्तर क्या है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। और कठिनाई ये है, कलयुग में बहुत कुछ उसके बारे में लोग बोलते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी प्रबोध नहीं प्राप्त है भगवान से। कितना इल्यूजन है। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। अणु आत्मा कौन है, हम सब लोग हैं। विभु आत्मा कौन है, भगवान कृष्ण। समझ गए आप लोग। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महिमानात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। ये आप ब्रह्मभूत वाली व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न शोचति मतलब शोक से मुक्त, न कांक्षति मतलब इच्छाओं से मुक्त, इच्छाओं से मुक्त मतलब भोग इच्छा से मुक्त। आज भागवतम का श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत ऐसी भी बात है कैसे मुक्त होता है। शास्त्र की दृष्टि के द्वारा उसकी दृष्टि जागृत हो गई, बारम्बार शास्त्र की बात सुन करके, बारंबार, एक बार में नहीं होता, बारंबार समझ में आ गया कि ना इस जगत में किसी भी अवस्था में सुख नहीं है, किसी भी लोक में सुख नहीं है। वो हम उसको अभी नहीं समझाएंगे, शाम को समझाएंगे, लेकिन है इंटरेस्टिंग बात। और आप सुन चुके हैं लब्धोपशांति, वह कृष्ण को देख रहा है, कृष्ण से प्राप्त होने वाले सुख का अनुभव कर रहा है, तो क्या शोक और क्या कांक्षा। शोक इसी बात का है ना कि आह अरे वो वस्तु बहुत सुख दे रही थी, इज इट ओके। और कांक्षा इसी बात से है ना कि क्या ओह उस वस्तु मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा, डू यू अग्री। और जीव को क्या चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हो। और दोनों ही सिचुएशन में हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। और ये भी आगे कितने अज्ञान की बात है कि बाहर सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां ढूंढ नहीं रहे हैं। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, क्योंकि परमात्मा भगवान के विस्तार हैं, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। ओके, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। और ये एक अद्भुत बात है कि बिना श्रवण की कैसे प्रबुद्ध हो जाएगा व्यक्ति, बताइए। प्रबुद्ध, बुद्ध आत्मा को प्रबुद्ध बनाना है, वो खुद उसकी क्षमता जागृत हो जाए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु जी का शरीर छूट जाएगा तब आप क्या करेंगे, भक्ति छोड़ देंगे। डज दैट मेक सेंस, क्या क्या गुरु महाराज यही चाहते हैं, क्या गुरु महाराज को यही चिंता होनी चाहिए कि हम
शरीर छूट जाएगा तो क्या ये शिष्य भक्ति करना छूट देगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? परंपरा ऐसी ही नहीं रह जाती है. डिवोटीज हैव टू बिकम स्टैंड अलोन डिवोटीज. आर यू एबल टू फॉलो? बहुत बड़ी कठिनाई है कि जब लोग सोचते हैं कि हम बस गुरु जी के कंधे पर लेकर सवार होकर या फिर उनका सहारा लेकर चलेंगे. गुरु जी ये नहीं चाहते हैं. प्रभुपाद जी का शब्द है, यू आर ग्लोरीफाइंग मी बट वाई डोंट यू फॉलो वट आई एम सेइंग. मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गुरु जी की दृष्टि प्राप्त है, रियलाइजेशन प्राप्त है, अगर उनकी आज्ञा हम पालन करेंगे तो हमको भी प्राप्त होगा. क्या भगवान ने इस बात को नहीं बोला एवं परंपरा प्राप्तम? इस प्रकार से भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया तो सूर्यदेव ज्ञान ने जो दूसरे को ज्ञान दिया वो कुछ कम नहीं हो गया, वो प्रिजर्व रहा. शिष्य द डिसाइपल इज नॉट बिकमिंग इक्वल टू स्पिरिचुअल मास्टर, वो बात नहीं बोली जा रही है. लेकिन समझ रहे ना, हमारे लिए कोई मसीहा नहीं आ रहा है. वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स बाय हियरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर. प्रभुपाद इसीलिए तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं. तो पढ़ेंगे तो आप प्रबुद्ध हो रहे हैं. मैं कई बार एग्जांपल ले रहा हूँ, दिया हूँ, वेल्डिंग की स्पार्क होती है ना, लोहे को पिघला देती है तभी तो वेल्डिंग होती है. उसी प्रकार से हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाले प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आचार्यों के शब्द हैं. आप पढ़ रहे हो लेकिन वो एक एक शब्द स्पार्क की तरह जो हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाला है. एवरी डे वी शुड हियर, एवरी डे. प्रभुपाद जी का लेक्चर बहुत अच्छा है. तुम श्रवण नहीं करोगे तो तुम कन्विंस नहीं रहोगे, यू विल बी डिसगस्टेड. शब्द मैंने डिसगस्टेड कि मुझे ये तपस्या क्यों करनी पड़ रही है. इट्स नॉट दैट चीप ऑल्सो, नहीं. हमको भी बहुत अच्छा लगता है ये. जब तक दिमाग में घुस जाएगा कि हम आत्मा हैं तो किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो हमको आत्मा का साक्षात्कार नहीं देने वाले. इज इट ओके? विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी देयर सम कमेंट्स. एक भक्त बोले उनका बॉलीवुड सॉन्ग सुनने का मन नहीं करता है. वेरी गुड, गुड, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस. अज्यूमिंग दैट हैव बीन एग्जिस्टिंग इन बॉडली स्टेट फॉर मच ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ टाइम eternity than in soul form, how is it possible to stop identifying with the body? Okay, अब मैं जो उसका प्रश्न समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हम अनादि काल से शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं तो उससे हम छूटेंगे कैसे? और यह क्या अर्थ हुआ समझने का कि मैं आत्मा हूँ? आत्मा से अपनी पहचान करने का क्या अर्थ हुआ, यही प्रश्न किया जा रहा है. देखिए, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के अलावा आगे क्या परिचय है हमारा? कृष्ण के सेवक हैं, शाश्वत सेवक हैं. बद्ध अवस्था में भी हम कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, बस इनडायरेक्टली कर रहे हैं. तो जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, वैसे कार्य करूँ, यह है आत्मा की पहचान. इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते. ठीक है, तो इस जगत में जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा मन वचन कर्म से करना चाहता है वह किसी भी अवस्था में मुक्त है, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो. तो मैं आत्मा हूँ बात खत्म नहीं होती है. आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, एकमात्र उनका ही अंश हूँ, उनकी ही सेवा मुझे करनी चाहिए. तो भगवान की सेवा आप कर रहे हैं और सेवा 9 प्रकार से हो सकती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम इत्यादि. उन 9 प्रकार से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं. किसी एक समय में अगर भाग्यवान हम होंगे तो एक सेवा कर रहे होंगे. आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? जैसे भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और स्मरण करना रोक दिया है क्या? बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सेट करेगा कि उसका हर क्षण भगवान की नवधा भक्ति में कहीं ना कहीं सेट हो जाए. जैसे प्रसाद खा रहे हैं तो आप गोलोक में जाके क्या खाएंगे? प्रसाद पाएंगे. तो प्रसाद ग्रहण करना या आत्मा की तरह कार्य करना, हाँ एक अच्छी बात बोली ये बाबा, बहुत कठिन बातें बोलता है. हाँ, प्रसाद खाना सही में, और ये हम नहीं बोल रहे, आगे आप सुनने वाले हैं 3:13 में, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो. भगवान बोले जो संत पुरुष हैं, संत वाले, बिना दाढ़ी वाले भी लोग संत होते हैं, माता जी लोग भी संत हो सकते हैं. हो सकते हैं क्या? होते हैं, वही लोग तो भोग लगाते हैं घर में. तो यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुचंते सर्व किल भिजाए, ये हो गया आत्मा की तरह कार्य करना. भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से सारे किलमश नष्ट होते हैं. भुंजते तू अघम पापा ये पचंत आत्मकारणा. जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोग बना रहा है
तो वह केवल पाप खा रहा था। आप समझ रहे हैं कि कैसे कार्य करना है, इस जगत में रह के यज्ञार्थ कर्म करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। तो ये हो गया अपनी पहचान, भगवान से सेवक के रूप में करना, अपने स्वरूप में रहना। इट इज मेक सेंस, ये बात है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। जीव का प्राक अभाव नहीं, इस प्राक का अर्थ बताइए। देखिए, प्राक का मतलब पहले और अभाव मतलब नहीं होना। तो प्राक अभाव का मतलब हुआ कि ऐसा कोई समय नहीं था जब प्राक अभाव न, जोड़ दीजिएगा, तो मतलब ऐसा कोई समय नहीं था पहले जब आत्मा नहीं थी। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि एक भक्त अभी पूछे जो पूछ रहे थे कि भाई, जब इतने समय से अपने शरीर से पहचान कर रहे हैं तो हम अब कैसे छोड़ दें तुरंत? इसीलिए वर्णाश्रम है। ठीक है, अब एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ने की हम प्रोसेस को शुरू ही नहीं करें। अरे, इस जगत में भी आप देखते हैं कि कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, समझते हैं, जुकाम हुआ नहीं, बहुत लंबी बीमारी है, तो बहुत लंबी बीमारी का मतलब ये तो नहीं है कि अब हाथ छोड़ देते हैं, कहते नहीं अब इतनी लंबी बीमारी है, अब उसी संग मरेंगे। क्या ऐसा सोचता है कोई व्यक्ति? क्रॉनिक बीमारी का इलाज शाश्वत नहीं होता है, वो भी कुछ मान लो एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, लेकिन यह नहीं कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगी। और बारंबार याद रखिए, हम मुझे बस इसी में शंका होती कि शायद भक्तों को विश्वास है कि नहीं इस बात पे कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ततम अघम पुमसो दहे दीतो यथानला। अज्ञान से, ज्ञान से कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, वह पापों को नाश करने वाला। पाप का मतलब क्या है? यही अविद्या, कचरा हृदय का। कितने जन्मों का जन्म कोटि अंश, प्यूरिफिकेशन पावर ऑफ होली नेम कैन नॉट बी मेजर्ड। हम उसको नहीं नाप सकते हैं कितना हरि नाम शुद्ध करता है। तो ये शास्त्र श्रवण ना करने के कारण उसको महत्व नहीं दे रहे, बल्कि कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई इतनी बड़ी पुरानी चीज़ हमारी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अनादि काल से परेशानी है, तो क्या भगवान के नाम में भगवान ने कुछ शक्ति कम करके रखी है? नाम नामकारी बहुदा निज सर्वशक्ति। ये आप मत सोचिएगा कि सब भक्त सब बहुत लोगों को इसमें संदेह बना रहता है, एक ही नाम से, एक ही नाम से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2.1.11 पढ़ चुके हैं ना। प्रपात बोलते हैं लास्ट सेक्शन पैराग्राफ में कि हरि नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे दिखाई पड़ेगा, कि मिथ्या अहंकार की भावना की जो मैं देख रहा हूँ उसका प्रभु मैं हूँ, उससे व्यक्ति मुक्त होता जाएगा। और मैं फिर आप लोगों को रिमाइंड करूंगा कि ये अब जो लोग गंभीरता से जप करते हैं उनके अंदर ही भावना आने लगी है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि घर में अब इस प्रकार से लोग, गृहस्थों में भी इस प्रकार, आज हम ये कुत्ता, कुत्ते का वो क्या कहते हैं उसको, मूर्ति होती क्या? नहीं, कुत्ते का वो होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, नहीं पिल्ला नहीं बोल रहा, कुत्ते के वो गुड़िया कुत्ते के लिए आ जाते हैं, कुत्ते के हाँ, टेडी बियर और ये सब, हमें इच्छा भी नहीं आते। बल्कि एक डिवोटी हैं, एक प्रभु जी आके बोले, वो 16 माला करने लगे, प्रिय शोभा माता जी के पति ना, क्यों? कह रहे एक महीने से कुछ मांगी नहीं है, पहले हर हफ्ते लिस्ट आती थी ये चाहिए वो चाहिए, एक महीना हो गया कुछ नहीं मांगी। क्योंकि जब गंभीरता से करने लगी तो फिर अब अपने आप ही विरक्त होने लगता है व्यक्ति। हमको बड़ी हंसी आई, तो अच्छा पहले अच्छा प्रीचिंग स्टाइल है, एक महीना हो गया पत्नी कुछ नहीं मांगी कि भाई ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। तो कुछ मिथ्याहंकारी कमी हुई कि नहीं? Is it not? ठीक है, ओके, तो हम प्रश्न उत्तर लेंगे। श्रीधरि, निम्नलिखित शब्दों से कौन से निषेध प्रतिषेध, वो एक ही मतलब है निषेध और प्रतिषेध का अलग अर्थ नहीं होता है, इंगित हो रहे हैं अर्थ के साथ, समझाइए। इन भक्तों को बोलने का मौका दे, जस्ट चेक कर रहा हूँ कि क्या ये लोग भी चेतन है कि नहीं जूम पे ऊपर। ओके, तनिषा माता जी, नाउ वी लेट अस सी वी कैन स्पीक, प्लीज बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, इसमें ना जायते का मतलब है ना ही जन्म लेता है, और इसमें अयम नहीं है, लेकिन अयम का मतलब आत्मा, तो अयम ना ही ना जायते, ना ही जन्म लेता है, ना म्रियते, ना ही उसकी मृत्यु होती है। और भविता मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले नहीं था और होगा, मतलब हो रहा है, ठीक है। और नित्य मतलब कि नित्य है, एक रूप है, शाश्वत मतलब शाश्वत हमेशा से है, और पुराण मतलब कि पुरा, पुराण में पुरा जो है उसका मतलब है प्राचीन, और ना मतलब नवीन या नया, तो आत्मा जो है इट इज एवर फ्रेश।
और ना भूया मतलब कि पुनः होने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि हो रहा है कि मतलब प्रेजेंट में। वृद्धि नहीं हो रही उसकी, ऐसे बढ़ रहा हुआ सर। वंडरफुल, सोचिए आप ऐसा गीता क्लास देंगे तो मजा आ जाएगा। इस प्रकार से लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, पंडित बैठ गए इधर। वेरी गुड, ना भूया मतलब हो रहा है, पुनः होगा, बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वाह, और पुराण का अर्थ समझाइए वर्षा माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर वा शब्द का अर्थ है च, यानी और, इसके अर्थ में यूज हुआ है। न जायते म्रियते व कदाचित न्यायं भूत्वा ना वा न भूयो, मतलब अर्थ हाँ, मतलब आत्मा ऑप्शन नहीं देना हर है जन्म कि लेता है, न शायद मरता है, मरता नहीं है या जीता है, ऐसा नहीं है। और ना अच्छा, कभी उत्पन्न होकर अस्तित्व को प्राप्त होता है। ना जन्मता है ना मरता है। तो वेरी टेस्टी पॉइंट। और पुराण, यस, और पुराण का अर्थ है पुरा अर्थात पुराना होते हुए भी, और अण अर्थात नव अर्थात नया ही है। तो पुराण के द्वारा मतलब जो हमेशा से पुराना होते हुए भी हमेशा नवीन रहता है। पुरानी आत्मा को यहाँ पे गॉट इट। कोई क्या कहते हैं इसका, जिसका क्या कहते हैं उसको, दवाइयों की क्या निकल जाती है, एक्सपायरी डेट। तो किसी आत्मा की एक्सपायरी डेट नहीं है। गॉट इट। जन्मादि 6 विकारों की सूची बताइए। ये तो इजी है। शैली माता जी वांट टू से, जन्मादि 6 विकार ये थे। जायते जिसका मतलब है बॉर्न, जो पैदा होता है, अस्ति दैट इट एग्जिस्ट, वर्धते वो इंक्रीज होता है लाइक स्पैन बढ़ता है, विपर्णमते लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें रिजल्ट देता है, लाइक अपक्ष डिक्रीज होता है एंड देन विनश्यति व्हिच मींस पेरिश कर जाता है, मर जाता है। हाँ, और अपने में भी आप देखिए कि ये आप में नहीं हो रहे हैं, ये अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। शरीर वृद्ध होगा, आप वृद्ध नहीं हो रहे हैं। शरीर में एसिडिटी आदि इत्यादि होगा या जो भी विकार आ रहे हैं, आप उससे परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। वी हैव टू लर्न दिस। प्रभुपाद बोले आपको इंटेलिजेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सुन करके गीता क्लास का सब छोड़ दें। बारंबार ध्यान रखिए कि हम वाणी का उपयोग गलत करते हैं, इस कारण से हम भूल जाते हैं। न हन्यते हन्य माने शरीर क्यों कह रहे हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीधर स्वामी के अनुसार अमोक द्रिप कुछ बताएंगे। इसमें कह रहे हैं प्रभु जी कि शरीर के मर जाने से आत्मा का विनाश नहीं होता। इसमें आत्मा का पूर्वोत्तर प्रसिद्ध शब्द बता रहे हैं जिसको आगे के श्लोक में जो है भगवान वो समझे बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उस विषय का उपसंहार कर रहे हैं कि हाँ। करते इसी पे बहुत सुंदर बात गौरांगपुर के प्रवचन में सुन रहा था अभी, कितना सुंदर बात बोले। देखिए हम लोग एक दूसरे के दोष क्यों ना देखें। पहली बात तो दोष इसलिए कि दोष शरीर के देख रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हम सभी लोग माया के द्वारा कूटे जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी हम्बलिंग स्टेटमेंट। नहीं, हम सब लोग माया के द्वारा कूटना समझ ना, पीसे जा रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए हम लोग गेहूं के दाने हैं और उखल नहीं बाबा, वो चक्की में पीसे जा रहे हैं। तो कहे कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, कोई गेहूं वाला ले पीस दिया गया तेरे को, मैं और बुद्धिमान, ये तू भी चला आ जाता इधर आ जाता इधर, पहले इसको पीसा जाए। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड हम्बलिंग। नम्रता आ जाएगी ना उसमें से। कुछ दाने हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं, हो सकता है आपको पसंद नहीं तो दूरी बना के रखो भाई। ये होता है कि आप हर भक्त से नहीं जमेगा, वो आपको आपसे नहीं पसंद है तो ठीक है भाई, अपना सम्मान तो दीजिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य टीका के अनुसार ना जायते मिलते की व्याख्या कीजिए। ये तो वही है, इज इट नॉट। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ओके, दिस इज डिफरेंट। कृष्णलादनी माता जी वांट टू से, यस प्लीज। प्रभु जी इसमें बोला है कि ना जायते मृियते, कौन बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। इसका मतलब है कि आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, तो जो वर्तमान शरीर में जो चेंजेस नजर आते हैं, जो जन्म मृत्यु नजर आता है, उसमें जो अनुभव होता है उससे आत्मा का कोई स्पर्श नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा सुना, सबने सुना ध्यान से।
एक तो एक व्यक्तिगत आत्मा को देख लीजिए, और जितने भी शरीर परिवर्तन आप देख रहे हैं उसका आत्माओं से कोई संबंध नहीं है। उस दृष्टि से रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं ना जायते ना मृत्यु, मतलब जितनी जगत में आपके बच्चे पैदा होते दिख रहे हैं, लोग बूढ़े मरते हुए दिख रहे हैं, कोई भी जन्मता हुआ दिख रहा है, वो किसी का भी उसकी आत्मा से कोई स्पर्श नहीं है। दैट इज वेरी नाइस सीइंग दैट रियलिटी इन द वर्ल्ड। आत्मा होकर भी ना होने वाला है, मतलब जन्मता नहीं है इधर, होकर भी नहीं होने वाला, ये कहाँ पढ़ा था? इधर ही आया था, ये नहीं था, ये बात बोली गई थी कि जब सृष्टि होती है तब, यानी कि ब्रह्मा जी की भी सृष्टि हो रही है शरीर की, तब भी वह जन्म नहीं लेता है कल्प की शुरुआत में, और मृत्यु कल्प का अंत हो जाता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा होकर फिर नहीं होने वाला है। हाँ, आत्मा होकर के फिर नहीं होने वाला। देख रहे, एक चीज ना गायब कर देंगे तो अर्थ गड़बड़ जाता है। ठीक है, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणों की व्याख्या कीजिए, ये तो आसान है। अज मतलब अजन्मा, नित्य मतलब एक रूप, शाश्वत और शाश्वत एवं पुराण मतलब नवीन लगता है, ये तो इजी अभी पढ़ा था। सारत वर्षनी, भगवान ये श्लोक क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भगवान? ईजी है। शैली माता जी ने हाथ खड़ा किया, तनिषा माता जी एंड राधा शर्मा माता जी, क्या ये आत्मा गूंगी हो गई है? बोलो, डांट खाओगे आप, बताओ क्यों बोल रहे हैं सारा थोरशनी में? जीवात्मा के नेतृत्व सिद्ध करनी, बस। क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है क्या? आपने हाथ के लिए रेज किया है। ओके, नायम भूत्वा भविता वाना भूया का क्या अर्थ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये फ्रेज किसको समझ में आया देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। साधना माता जी, यस, वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू सिंस लॉन्ग, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब है कि आत्मा ना तो भूतकाल में है ना भविष्य में होती है, कभी जन्म नहीं लेती और ना ही मरती, जिसका जन्म होता उसी की। बहुत गड़बड़ कर जाती हैं। आत्मा भूतकाल में नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, जन्म नहीं लेती। हाँ, ऐसा कुछ बोलिए, भूतकाल में हुई है प्रभु जी, आत्मा ना तो भूतकाल और ना ही भविष्य में जन्म लेती है। हाँ, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तो उसके वो मृत्यु भी नहीं होती है, ये कहने का मतलब है। तो इसमें तीनों ही काल में जन्म के अभाव को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वेरी गुड, अब आपने सही बोला, यानी हमेशा आत्मा रहती है। ठीक है, बहुत सतर्क होकर बोलना पड़ेगा। गुड गुड, वेरी नाइस। अज का अर्थ क्या है एवं इसके द्वारा भगवान क्या प्रमाणित कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अज मतलब जूही माता जी, आप बताइए, माइक दीजिए इनको। अज शब्द के द्वारा तीनों कालों में जीवात्मा के जन्म का अभाव बताकर श्री भगवान यह प्रमाणित कर रहे हैं कि पूर्व काल में जीवात्मा वर्तमान था, अर्थात जीव का प्राक अभाव नहीं है। इंटरेस्टिंग है, और अभी जो साधना माता जी ने बोला उसी को मैं विचार कर रहा हूँ। न कभी भूतकाल में जन्मा है, न वर्तमान में जन्म रहा है, न भविष्य में जन्मेगा। अब और क्लियर होना पॉइंट, गुड। जीवात्मा की नित्यता किस शब्द द्वारा सूचित हो रही है? नित्य शब्द से, सिंपल, अज से, शाश्वत से। एवं क्या इस नित्यता के कारण जीवात्मा जराग्रस्त हो सकता है? पुराण शब्द से है भाई, बहुत पुराना है तो बूढ़ा हो गया होगा। ओल्ड डेटेड आत्मा, एक्सपायरी डेट वाली आत्मा। ओके, राधा शर्मा माता जी वांट टू से समथिंग, यस प्लीज। शब्द सूचित हो रही है शाश्वत मतलब तीनों कालों में विद्यमान है, और अगर ऐसा कहा जाए कि जराग्रस्त हो जाएगा अगर शाश्वत है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये पुराण है। पुरा यानी कि प्राचीन, और ऋण से मतलब नया, तो ये हमेशा एवर फ्रेश रहता है क्योंकि जराग्रस्त। वेरी गुड, गीता भूषण टीका। श्लोक में आत्मा के लिए न जायते न मृत्ये न भूयः एवं पुराण शब्दोल्लेख द्वारा शरीर के संबंध में वर्णित कौन से विकार का भाव सूचित हो रहा है? ये तो हो चुका है, काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़ देना। जीव को क्यों अजो नित्य एवं शाश्वत कहा जा रहा है? क्योंकि वह ऐसा है, सिंपल। किन कारणों की वजह से भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध में युद्ध करने के लिए निर्देश कर रहे हैं, ये उत्तर बताइए। वर्षा माता जी, नहीं पता, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ, देखिए प्रयास कीजिए। नहीं पता, ओके। तनिषा माता जी,
प्रभु जी इसमें कॉन्टेक्स्ट में आया था कि अर्जुन ने जब बोला था कि मैं हत्यारा बनूंगा अपने गुरु का, तो भगवान ने फिर यशलोक मतलब बोल ही दिया कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, इससे पूरा आत्मा का उन्हें ज्ञान दे दिया। और अपयश के संबंध में, और फिर ये भी कहते हैं कि अपयश होगा कि मतलब लोग कहेंगे, वो गुरुन हत्वा वाला जो श्लोक आता है, तो हाँ फिर अपयश के संबंध में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि तुम मारने वाले हो, और मतलब मारने वाले हो और मतलब वो समझ रहे कि मरने वाले हैं, तो वे अज्ञानी है, तो अज्ञानी लोगों की क्या परवाह करनी, और इसलिए अब जब धर्म का पता चल गया है तो युद्ध करो क्योंकि यही धर्म है। आपने सब कुछ सही बोला। मैं एक सिद्धांत सुनना चाह रहा हूँ, हमारे सामने कोई भक्त बोलेंगे इस बात को। ओके, जय वृंदा माता जी। मैंने इसको बार बार हिट कर रहा हूँ सिद्धांत को, कि क्या बोलना चाहते हैं। युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम सबको युद्ध करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। हाँ बोलिए। भगवान यहाँ पे कर्तव्य बुद्धि से अर्जुन को अपना कर्तव्य नहीं हाँ कर्तव्य बुद्धि और से धर्म पालन करने के लिए बोल रहे धर्म हैं। पालन ये नहीं कर्तव्य बुद्धि से हम फैक्ट्री में काम करते रहेंगे तो उससे हमें रियलाइजेशन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और फलाभिसंधि रहित। हाँ, ये बारम्बार समझिए कि रियलाइजेशन आत्मा का तभी होगा जब व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से कार्य करेगा। इज इट ओके? ठीक है, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। ये बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, आत्मा का रियलाइजेशन चाहिए तो हमको मोड ऑफ गुडनेस में ऑपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस स्वतः ज्ञान को प्रकाशित करता है, वह आपकी भक्ति को या आपके दिव्य ज्ञान को बाधित नहीं करता। और एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, क्या आपने, मैं तो देख भी रहा हूँ कि लोग जो बहुत रजोगुणी होते हैं वो पागल की तरह बर्ताव भी करने लग जाते हैं। हैव यू नोटिस दैट? बहुत रजोगुण, प्रभुपाद उसको आगे बोलेंगे, बहुत रजोगुणी व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं, लाइक लिटरली पागल हो जाते हैं, वो तो खतरा है ही। और यह भी देखेंगे, एग्जाम्पल दिया था, रज मतलब धूल, तो आँखों में जब धूल भर जाती है तो व्यक्ति को देखने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है, वो धन के लॉस के लिए तो बहुत चिंता करेगा, जबकि आत्मा का धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भक्ति किए बिना कितना जीवन जा रहा है उधर व्यक्ति नहीं देख रहा है, ये रजोगुण का बड़ा प्रभाव होता है। इज इट नॉट? तो धर्म करने के लिए बोला जा रहा है बार बार। शीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य, आत्मा को स्थायी या कूटस्थ क्यों कहा जाता है? प्राण रूप माता जी बताएंगे। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है, इसलिए आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। ठीक है, मुझे हंसी इस पे आ रही है कि आप लोग उत्तर छोटे बच्चे की तरह दे रहे हैं। छोटे बच्चे होते ना, कुछ विषय लिया उसको पढ़ लिया किताब में, क्या क्या इतना नहीं बोल सकते कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता इसलिए कुटस्थ कहते हैं। कुछ अपनी भाषा में भी बोली, ठीक है आपने अच्छा बोला, प्रपात की बात से बोला, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कुटस्थ तो इज क्वाइट क्यूट इज नॉट? इसे लिखा उसको बताते थे, लिखा है तो ठीक है, लेकिन हमको समझ में भी आ ही क्या होगा, इज इट नॉट? कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो, इज वेरी नाइस। ये आप प्लीज समझते हो कि आपको अपनी बुद्धि को फ्री रखना पड़ेगा इन सब बातों को समझने के लिए, नहीं तो सिस्टम आपका हैंग कर जाएगा। कंप्यूटर चलाते हैं ना, जो बहुत हैवी प्रोग्राम चल रहा होता है तो आपका सिस्टम इतना हैंग कर जाता है कि किसी और कार्य के लिए अवकाश नहीं रहता। आत्मा का अस्तित्व कैसा है एवं हम किस मिथ्या खोज में रहते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। और क्या आप ऐसे उत्तर देना चाहेंगे सामने? जय वृंदा माता जी। आप ही प्रश्न सेट करते हैं, आप ही उत्तर देंगे, ये क्या, ये तो चीटिंग है। ओके, कृष्ण लादनी, अमोक दृग्विल गिव चांस टू प्रभु। आत्मा नित्य है, शाश्वत है और सनातनी है, उसका ना तो जन्म है ना तो कोई मरण हाँ। है, ना तो उसको काटा जा सकता है ना ना उसको जलाया जा सकता है, तो हम किस मिथ्या खोज में रहते हैं? हाँ, कि उसका जन्म मरण इसी खोज में रहते हैं, इसी के इतिहास में खोज, हाँ इतिहास खोजते रहते हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसी का इतिहास। अच्छा मैं बोलता तो हूं, कभी आप लोग सोचते हैं कि आप लोग शाश्वत हैं? आप लोग, आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि से यस, यू थिंक अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिंग व्हाट वी आर हियरिंग। और उसका पता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं कि मेरी प्लेट में अभी क्या आएगा, आई कैन ओनली
have control what in what way I'm going to respond to the stimuli of this world. समझते हैं stimuli? क्या हम पर आक्षेप किया जाएगा उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम कैसे बर्ताव कर सकते हैं वो कंट्रोल रहे, और वो इस पर निर्भर रहेगा कि क्या मेरी बुद्धि रही या नहीं, विवेक बुद्धि. आत्मा की पूर्णता किससे है एवं कोई आत्मा की उपस्थिति को कैसे जान सकता है? पूर्णता किससे है मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और आत्मा की उपस्थिति को हम चेतना से जान सकते हैं. उद्धृत उदाहरण को समझाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है. ओके वर्षा माता जी, क्या उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं? पहला तो आत्मा की पूर्णता ये चेतना के बारे में बोलो कि चेतना की वजह से हम बता सकते हैं. और उदाहरण बहुत सुंदर था, जिस प्रकार अगर आसमान में बादल आते हैं और वो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेते हैं, हमें तभी पता चल जाता है कि दिन का समय हो रहा है. उसी प्रकार चाहे वो कोई भी शरीर हो, किसी भी पशु या जानवर का हो या इंसान का हो, जब वो जीवित है उसकी चेतना की वजह से हम ये जानते हैं कि उसमें आत्मा है. हाँ, क्योंकि देखिए शरीर एक प्रकार का बादल जैसा है जिसमें पीछे आत्मा जो प्रकाश दे रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, और आप खट से समझ सकते हैं कि हाँ अभी तो कुछ हो गया. छोटा बच्चा नहीं समझ पाता ना, मान लो किसी पिताजी की मृत्यु हो, क्या हो गया पापा को नहीं समझ पाएगा, लेकिन बाकी लोग एकदम समझ रहे कि क्या हुआ है, लेकिन समझने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, बस ये कठिनाई है. शरीर की अपेक्षा आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है, स्पष्ट है. शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता. जीव की चेतना परमेश्वर की चेतना से किस प्रकार भिन्न है, ये अच्छा प्रश्न है. साधना माता जी बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी भी शरीर में जो चेतना होती है, जीव की चेतना जो होती है वो विस्मरणशील होती है, और जो परमेश्वर की चेतना है वो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं हमारा भूत भविष्य वर्तमान, तो इन दोनों में फर्क है. ओके. इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया था, किसी को याद है कुछ? हाँ माइक पे बताइए. अनुष्का माता जी, वो उन्होंने हाथ खड़ा किया है, हमने देख लिया. इसको लेकर के मैंने कुछ आपको बताया था प्रैक्टिकल जीवन के लिए, बोलिए. इसे एग्जाम्स में मगअप कर लेते हैं तो फिर. नहीं नहीं, अभी पॉइंट क्या बोला था, जीव विस्मरणशील है और भगवान सर्वज्ञ हैं, तो उसको लेकर मैंने कुछ आपको सिखाई थी बात कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या है. प्रभु जी, शरीर में परिवर्तन होता रहता है और हमें पता नहीं चलता, मतलब आत्मा वही रहती है, हमारी अवस्थाएं बदलती रहती है. नहीं 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 नहीं, ये नहीं था. भगवान सर्वज्ञ हैं, अभी आपने बताया भगवान तीनों कालों को जानने वाले हैं, और मैं विस्मरणशील हूँ. ओके जय वृंदम. अनीश प्रभु, अनीश प्रभु विजिटिंग गेस्ट, विजिटिंग फैकल्टी, बोलिए. एक तो ये है कि भगवान हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो है वो हम अपने शरीर भूल जाते हैं कि हाँ, कल हमने क्या बोला जैसे, और उसके बाद केवल एक ही बात याद रहती है, वाई मी वाई मी वाई मी, और भगवान कृष्ण अगर उत्तर देखें वाई नॉट यू, वाई नॉट यू, क्यों नहीं तुम्हारे संगी बर्ताव होना चाहिए, जरा बताओ, भूल गए कि तुम क्या किए पिछले जन्म में और करोड़ों जन्मों में, है ना. तो ये चीज, ये आप लोग कभी मन में नहीं आता वाई मी, Why this happening to me? Such a nice, cute looking devotee is not. ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम भी आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, जल्दी से ठीक कर दीजिए, हम क्लास दे पाए ठीक से वहाँ. कृष्ण बलराम से, कृष्ण बलराम फिर मुस्कुरा ही रहते हैं. अच्छा जी, तेरी रिपोर्ट बता दे रहे हो. अरे वैसे तो नहीं बोलते भगवान, लेकिन डोंट आस्क वाई, वॉट एवर इज हैपनिंग इज गुड ओनली, यू मे नॉट बी एबल टू सी इट. आत्मा के विषय में कठोपनिषद में क्या पुष्टि की गई है, और एवं कौन आत्मा की महिमा को समझ सकता है? ये बहुत अच्छा श्लोक था. ओके कौन आंसर करना चाहता? ओके अमोक देव प्रभु, उधर भी माइक रखिए. प्रभु जी, ये सेम श्लोक है, गीता में भी दिया हुआ है, न जायते म्रियते विपश्चित अभूवः. इसमें एक शब्द है विपश्चित का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि विद्वान, हाँ, विद्वान व्यक्ति है, आत्मा की महिमा को समझ सकता है, आत्मज्ञान से जो चेतना, ठीक है, लेता है. कुछ ठीक? उत्तर ठीक से आया नहीं है, आप उत्तर देना चाहते हो माइक पे बोलिए. अणुअणियान वाला, वो भी कठोपनिषद से था, वो भी कठोपनिषद से था. श्लोक भूल गए, श्लोक क्या है जरा देखिए. अणुअणियाम महतो महियान वाला श्लोक था ना, कहाँ गया? लास्ट में है ना,
आत्मस्तु जंतुर निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। जो व्यक्ति भगवान की, क्या लिखा है, जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब तक व्यक्ति शोक और मोह से, शोक और इच्छाओं से ग्रसित है वो आत्मा को समझा ही नहीं है। दिस इज अ पॉइंट, ये मैं एकदम छोड़ दिया, ये बार बार प्रश्नोत्तर बड़े लाभकारी हैं। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जरा सा भी समझा है तो वह शोक नहीं करने वाला और भोग की इच्छाओं को नहीं करने वाला। जो नहीं समझा है वही इस प्रकार से लालसा कर रहा है, हमको ये मिल जाए, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप मानते हैं भौतिक रूप से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि कोई वस्तु हमको टच ही नहीं करती तो मिलेगा क्या? काफी इंटरेस्टिंग है। कृष्ण एवं अर्जुन में स्वरूपतः क्या भेद है एवं अर्जुन को उनके वास्तविक स्वरूप की प्रतीति कराने के लिए क्या आवश्यक है? ओके, शैली माता जी वांट टू आंसर? यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अर्जुन अणुआत्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। हाँ। तो अर्जुन जो अपना रियल स्वरूप भूल गए थे उसको को भूल गए थे, तो श्री कृष्ण जी को जो सब याद है श्री कृष्ण के द्वारा प्रबुद्ध कराने की आवश्यकता है। यस, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। और कितनी बार प्रबुद्ध कराना चाहिए माता जी? ये मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, एवरीडे। ये विस्मरणशील मतलब आज ये क्लास नहीं होगी तो हम लोग शरीर की तरह ही कार्य करने वाले हैं। इस तरह से स्मरण करना चाहिए, जैसे हम रोज खाते हैं ऐसे रोज सुनना चाहिए। ओके, वेरी गुड। सो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को तो पकड़ ही लिए हैं कि किसी भी अवस्था में हमें कर्तव्य बुद्धि से भौतिक कार्य करना चाहिए। इज दैट ओके? वी शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि जगत से हमें कुछ और मिलने वाला है दुख के अलावा। कितना भी आप निचोड़ दीजिए, बैम्बू से शुगर केन का जूस नहीं निकलने वाला, कहीं अगर कोई संदेह हो तो। इज इट ओके? इज इट रियली ओके? दैट इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। लेकिन एक प्रश्न ये कि हम लोग, हमारा मन बार बार कर रहा है, वो पिछली बार वाला जो बैम्बू था ना उसमें से रस नहीं निकला था, इस बार वाला बैम्बू बहुत अच्छा आया, ये नया है मार्केट में, इसमें से जो रस निकालोगे वो जरूर मीठा निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा। मैं इसी को बोल के लास्ट फिर हम खत्म प्रारण करेंगे। बारंबार हम मन को भोग में लगाने का प्रयास कर रहे हैं और रिबाउंड हो जाता है मन और असंतुष्ट होता है। आपने महसूस किया है? सोचते कि हम आज, अब मैं नया कुछ बोलता हूँ, पानी पूरी खाएंगे आज, पानी पूरी खाएंगे, पानी, ओ नो, ये फिर न्यू आइटम, ये बाबा क्या है, वो की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत आप देख रहे हैं, जब पानी पूरी का नाम लूंगा तो आप उसके अंदर के छोले और उसका जो पानी से भी धारणा कर लेंगे और उसमें ध्यान जाएगा एक एक उसके अंग के ऊपर की गोलगप्पा कैसे लगता है। बट आप विचार कीजिए कि उसके अंदर सामर्थ्य कितना है सुख देने का, वो बहुत कम है, इसीलिए बारंबार असंतुष्ट रह जाता है। अब ऑब्वियसली यू कैन ऑफर टू कृष्णा एंड टेक प्रसाद, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इस इल्यूजन से हमको धीरे धीरे करके बाहर आना पड़ेगा कि कोई भोग हमको संतुष्ट कर सकता है। इट जस्ट डज नॉट टच अस। ओके, वी विल स्टॉप हियर।